गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांचवी की पाठ्य पुस्तक हिंदी। पाठ संख्या है स्टूडेंट आपका 14। स्टूडेंट्स, साहसी सतीश के बारे में आज हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में पृष्ठ संख्या 74 तक पूरा कर लिया था और आज स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब तो डाकू दल जैसे बौखला उठा। जैसे जो साहसी सतीश था उसने ऊपर से ईंट मारा तो जो एक डाकू था उसके बंदूक पर जाकर लगे और जो बंदूक के हैं दो टुकड़े हो गए थे। इस पर जो है डाकू दल वो बहुत ज्यादा जो है बौखला गया, गुस्सा हो गया। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गांव के लोग परेशान थे कि क्या करें। अब वो एकदम से बहुत सारी गोलियां चलाने लगे तो गांव के जो लोग थे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वो सोचने लगे अब हम क्या करें। वे किसी तरह गोलियों की मार से सावधान होकर मोर्चा लगाए हुए थे। बालक सतीश ने अब एक उपाय सोचा। उसने डाकुओं की टॉर्च की रोशनी को देखकर अनुमान लगाया कि वे कहां पर है। देखिए, जो बालक सतीश था वो बहुत ज्यादा साहसी था। उसने एक उपाय सोचा। उसने डाकुओं की टॉर्च की रोशनी को देखकर अनुमान लगा लिया। उसने पता लगाया कि वे कहां पर है। बस वह चुपचाप नीचे आया, घास का एक बड़ा सा गट्ठर लाया, उसे लेकर एक टूटी दीवार के सहारे चढ़ गया। अब उसने घास के गट्ठर में आग लगा दी और उसने फुर्ती से उधर फेंक दिया जहां पर डाकू जमा थे। जहां पर बहुत सारे डाकू जमा थे उसने वहां पर घास के गट्ठर लेकर वहां पर उनके बीच में फेंक दिया। आग लगने से जो उजाला हुआ उसमें गांव वालों ने डाकुओं को अच्छी तरह से देख लिया। लेकिन दूसरे ही क्षण डाकुओं ने बालक सतीश को निशाना बनाया। सतीश की आंखें के पास एक गोली लगी, वह घायल हो गया, पर उसने साहस ना छोड़ा। देखिए, जो बालक सतीश था, साहसी बालक, उसको क्या कहते हैं, उसी क्षण जो है उसको एक डाकुओं का जो निशाना लग गया, उसकी आंख के पास गोली लग गई और वह घायल हो गया। लेकिन परंतु जो साहसी बालक सतीश है उसने अभी भी अपना साहस ना छोड़ा। स्टूडेंट्स,